वेलकम टू चैनल फॉलोअर्स, मैं दोस्त समीर आज के साथ एक और वीडियो लेकर आज हम बात करेंगे नेट क्रैकर एंड द फॉरेंस मूवी के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो ये स्पॉइलर फ्री है, इससे कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं या प्लॉट या दूसरी चीज़ों के बारे में कोई डीप डिस्कशन नहीं करूँगा, जिसकी वजह से आपका ये मूवी देखने का मजा नहीं खराब होगा। तो आप बेफिक्र होकर ये वीडियो पूरी देख सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली नेट क्रैकर की दफ़ा मैं इस दफ़ा ये नहीं कहने वाला कि बहुत ही बकवास मूवी थी, इस दफ़ा मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ कि आप ये मूवी देखें। पर अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं इस मूवी के बारे में तो वीडियो पूरी देखना। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में, जो कि बहुत सिंपल है। प्लॉट यहाँ पर यह है कि एक क्लारा नाम की लड़की है जिसकी मदर की डेथ हो गया, उसके परेशान और डिप्रेस होकर वो अपनी फैमिली के साथ भी सही से एडजस्ट नहीं हो पा रही, स्पेशली उसके फादर के साथ। और क्रिसमस ईव के दौरान उसको अपनी माँ की तरफ से तोहफा मिलता है, जो कि एक एग होता है, जो कि उसकी माँ ने मरने से पहले उसके लिए छोड़ा होता है। उसके लिए चाबी चाहिए होती है और चाबी ढूंढते ढूंढते वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाती है, या फिर कोई डिमेंशन आप कह सकते हैं। वहाँ पर 4 AM होती है और उन जगह का इन्वायरमेंट सच में बहुत ही वंडरफुल होता है। उस दुनिया में जाकर उसे पता चलता है कि वहाँ पर जंग छिड़ी हुई है, उनकी मदद करने के लिए वो वहीं पर रुक जाती है। और फिर उसको अपनी लाइफ, अपनी मदर और अपने से रिलेटेड उसे काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट जानने को मिलते हैं, और एंड में कमाल का ट्विस्ट देखने मिल सकता है। और इसी के साथ साथ स्पॉयलर्स ना देते हुए इतना ही प्लॉट था, और बाकी प्लॉट जानने के लिए ऑफकोर्स आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करें डायरेक्टर के डायरेक्शन के बारे में, तो डायरेक्शन बहुत ही कमाल का था। मतलब आपको जो एनवायरनमेंट्स दिखाई जाती है, 4 AM दिखाई जाती हैं, दिखाने का उनका तरीका बहुत ही कमाल का था, एक वंडरफुल और ब्यूटीफुल तरीका था। वो अलग अलग लोगों की भाषाएँ, वो अलग अलग लोगों के लुक्स, डिज़ाइंस, एनवायरनमेंट, पूरा बहुत ही कमाल का डायरेक्शन था उनका। मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, इसलिए बेफिक्र आप रहें, क्योंकि हिंदी डबिंग इसकी बहुत अच्छी है। मूवी की बुरी चीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक बुरी चीज़ है, वो है कि इस मूवी का पूरा रन टाइम जो है 1.5 घंटे का, पर उस 1.5 घंटे में कोई फजूल सीन डाले हुए हैं जो कि डायरेक्टर को नहीं डालने चाहिए थे। मतलब करेक्टर बिल्डअप के लिए कुछ खास का इंपॉर्टेंट सीन थे जो कि डालने चाहिए थे, पर उन्होंने वो नहीं डाले, जबकि एक फजूल वगैरह सीन जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता वो कुछ डाल दिए थे, जो कि टाइम वेस्टिंग थे। मतलब कि मूवी का रन टाइम काफ़ी छोटा है, और उसके छोटे रन टाइम का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें करेक्टर बिल्डअप अच्छे से करना चाहिए था, पर उन्हें कुछ फजूल सीन डाल दी, जो मुझे बात अच्छी लगी। कास्टिंग एक्टिंग की बात करें तो कास्टिंग जो मेन लीड में है जिनका नाम है मैकवेंजी, जिन्हें हमने पहले ट्वाइलाइट ब्रेकिंग डाउन पार्ट 2 में देखा हुआ है, कभी कभी उनकी परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छी लगती है कि वो अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रही हैं, पर किसी किसी टाइम आपको ओवर एक्टिंग करती हुई नज़र आती हैं, तो उनकी एक्टिंग नॉर्मल थी। उसके अलावा कास्टिंग की बात की जाए तो यहाँ नाम आता है हेलन मेरन, रिचर्ड ई ग्रैंड, मॉर्गन फ्रीमैन, क्यारा नाइटले और जेडन नाइट। और जेडन नाइट को हमने पहले रेडी प्लेयर 1 और मोगली नेटफ्लिक्स की मूवी में देखा हुआ है, उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी मुझे इस मूवी में लगी, मतलब काफ़ी मज़े की लगी उनकी एक्टिंग। उसके अलावा बाकी कास्टिंग अननोन है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की के सीक्वल को लेके, तो इसके सीक्वल के आने के ना के बराबर चांसेस हैं, क्योंकि ये मूवी बहुत ही कम ही प्रॉफिट कमा पाई थी। मतलब जितना बजट था उसने वो रिकवर कर लिया था, पर इतनी ज़्यादा कमाई नहीं कर पाई। उसके साथ साथ इसकी रेटिंग रोटेन टोमेटो बहुत कम है, जबकि IMDB में 5.55 है। उसके अलावा बात की जाए ऑडियंस और जिन जिनको मूवी देखनी चाहिए, जो फाइनल चीज़ होती है, वो मैं आपको रिकमेंडेशन बता देता हूँ। तो आपको पता है पूरी की पूरी दुनिया में COVID-19 ने अपना राज जमाया हुआ है, उसकी वजह से सारे लोग अपने घरों में हैं, तो इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, और इसके साथ मूवी नाइट हो जाए तो क्या बात है। तो ये मूवी नाइट के लिए बहुत अच्छी मूवी है, आप सिस्टर्स बैठ के देख सकती हैं, और हाईली रिकमेंड करूँगा कि सारी की सारी फैमिली बैठ के देखें तो काफ़ी अच्छे से इन्जॉय हो सकता है। ये भी नहीं कि भाई भाई बैठ के देख लें, आप उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना फैमिली के साथ करेंगे। तो मैंने आपको रिकमेंड कर दिया, उसके साथ साथ हिंदी डबिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, तो और क्या चाहिए आपको। वैसे भी आप घरों में वेले ही तो हैं, तो आप इस मूवी को देख लें। तो इसी के साथ साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। मैंने आपको सारी डिटेल दे दी इस मूवी से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने इस मूवी को देखना था, रिव्यू दीजिए उन्हें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर मार्वल DC और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल एंड अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। मार्वल DC और दूसरी मूवीज़ के फैन मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।